नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। बाराबंकी मां के दरबार में कमर में असलहा का क्या काम, जाने पूरी वजह, रह जाएंगे हैरान। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी कोतवाली नगर की सफेदाबाद मजरे खसपरिया की है, जहां लाठी डंडों और लोहे की राड से लैस यह लोग चार निहत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। वह लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन लोगों पर खून सवार है। ऐसा लग रहा है कि यह लोग आज एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की नियत में हैं। कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद गड़ी मजरे खसपरिया में संतराम रावत के घर के बाहर दुर्गा प्रतिमा का पंडाल लगा था। मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन यात्रा में गांव के कुछ लड़कों को गांव के ही जामंत राजू रावत समेत दर्जनों लोगों ने युवक को मूर्ति विसर्जन के दौरान शिवम को पीट दिया था। इसी बात को लेकर जब कुछ लोग विवाद की वजह पूछने लगे तो कहासुनी के बीच मारपीट शुरू हो गई। घटनाक्रम के अनुसार बुधवार को सत्येंद्र गोस्वामी अन्य लोगों के साथ घर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में राम मनोरथ, जामवंत, मनशाराम, राजू रामू आदि ने जानलेवा हमला कर सत्येंद्र, सोनू, अरुण, अमन आदि लोगों को मरणासन्न कर दिया। घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि विपक्षी प्रतिमा रखने से नाराज था। गुरुवार को रविंद्र गोस्वामी की तहरीर पर नगर कोतवाली में विपक्षियों पर हत्या का प्रयास व बलवा का मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। बाराबंकी से संवाददाता मोहम्मद आशिफ की खास रिपोर्ट।